नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में पिछले कुछ समय से यात्राओं का दौर चल रहा है, जिसकी शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से हुई है। प्रशांत किशोर अपनी जल सुराज यात्रा के तहत बिहार के अलग जिलों के प्रखंड स्तर तक पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा में जुटे हुए हैं। इस यात्रा में वो बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण कर वहां के विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। अब इन सबके बीच यात्रा के इस दौर में एक और नाम जुड़ने वाला है और वो नाम है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने अपनी यात्रा का नाम गरीब संपर्क यात्रा रखा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा की शुरुआत 12 फरवरी से होगी जो 22 फरवरी तक चलेगी। इस यात्रा को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रदेश के सभी साथियों के साथ मिलकर गरीब संपर्क यात्रा निकाली जाएगी जो नवादा जिले से 12 फरवरी से शुरू होगी। नवादा, जहानाबाद, अरवल और गया में जाकर जनसभा की जाएगी। 26 फरवरी को गया के गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से प्रदेश के जितने भी साथी लोग हैं मिलजुल कर करके शेखो दौरा नवादा जिला में, जानते हैं आप लोग, वही शेखो दौरा से हम लोग 12 फरवरी से शुरू करेंगे यात्रा। उस यात्रा का नाम गरीब संपर्क यात्रा हम लोगों ने रखा है और वो यात्रा 12-13 को नवादा, 14-15 को जहानाबाद, 16 को अरवल, 17-18 को फिर औरंगाबाद और 20-21-22 को गया में है और 26 फरवरी को गया में गांधी मैदान में हम लोग एक जनसभा भी करेंगे। मांझी की इस यात्रा को लेकर बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? आखिर क्यों नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के बाद भी मांझी को एक नई यात्रा निकालनी पड़ रही है? इन सवालों का जवाब भी मांझी की तरफ से दिया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। तो कहा जाए कि एक तो जनसभा का प्रचार के लिए और दूसरा जो गरीब जनसंपर्क यात्रा का नाम दिया है उसके पीछे ही है कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नियत में कहीं कोई खोट नहीं है, प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती के चलते जिसमें पदाधिकारी विशेष करके होते हैं जो सोच रहे हैं नीतीश कुमार वो धरातल पर नहीं आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ ये कहें कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो गलत है। इसीलिए हम लोग ने सोचा है कि जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग सूचना ग्रहण करें कि कहाँ नल जल की व्यवस्था ठीक है या नहीं ठीक है, कहाँ लोगों को इंदिरा आवास की व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसमें क्या कहीं कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जो राशन कार्ड होते हैं राशन कार्ड में भी बनाने में दिक्कत होती है उसके बारे में भी, और सबसे बड़ी बात है कि भूमि सुधार के संबंध में हम लोगों की विशेष चिंता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की पार्टी है और हम जानते ही हैं कि दुनिया में दो ही जात है, गरीब और अमीर की।